फ्रेंड्स एंड वेलकम बैक टू शो रील। मैं हूं आपके साथ दीक्षा और एक बार फिर मैं लाई हूं आपके लिए बॉलीवुड और छोटे पर्दे की कुछ बड़ी खबरें। बढ़ते हैं हमारी पहली बड़ी खबर की ओर, जो है एक्ट्रेस अनन्या पांडे की। जी हां, चंकी पांडे की बेटी और एक्ट्रेस अनन्या पांडे ने स्टूडेंट ऑफ द ईयर 2 से अपना फिल्मी डेब्यू स्टार्ट किया था। इसी के साथ उन्होंने बहुत ही कम समय में अपनी फैन फॉलोइंग को लाखों लोगों तक पहुंचाया है। इसी के साथ वो हर दिन किसी न किसी बात को लेकर सुर्खियों में बनी रहती हैं, कभी अपने लव इंटरेस्ट को लेकर तो कभी अपने एजुकेशन को लेकर। हाल ही में अनन्या ने अब एक ऐसा पोस्ट शेयर किया है जिससे ट्रोलर्स को एक करारा जवाब मिला है। प्लीज टेक अ लुक। फिल्म स्टूडेंट ऑफ द ईयर 2 के बाद से ही अनन्या पांडे के सोशल मीडिया अकाउंट पर कुछ यूजर्स उनकी डिग्री को लेकर सवाल खड़े कर रहे हैं, जिसके बाद अनन्या पांडे ने पोस्ट शेयर कर ट्रोल करने वालों को करारा जवाब दिया है। अनन्या पांडे ने एक तस्वीर शेयर की जिसमें उनके चारों तरफ डॉक्यूमेंट दिखाई दे रहे हैं। इनमें एडमिशन और यूनिवर्सिटी ऑफ सदर्न कैलिफोर्निया के भी कुछ पेपर्स नजर आ रहे हैं। अनन्या ने कैप्शन में लिखा है कि मैं ऐसा नहीं करना चाहती थी, मुझे ऐसा लगता है कि किसी को साबित करने की जरूरत नहीं है। पिछले कुछ दिनों में यूएससी में मेरे एडमिशन को लेकर चर्चाएं चल रही थी, जिसके बाद मुझे ये करना पड़ा। अनन्या आगे लिखती हैं कि यह और भी दुखद है कि मेरे परिवार और दोस्तों को इससे गुजरना पड़ता है। जैसे कि मैंने पहले कहा है, मुझे 2018 में स्प्रिंग सेमेस्टर में यूएससी में एंड बर्ग स्कूल फॉर कम्युनिकेशन एंड जर्नलिज्म में एडमिशन मिला था, लेकिन जब मैं अपनी पहली फिल्म की शूटिंग कर रही थी और रिलीज की तारीख आगे बढ़ा दी गई तो मुझे एक डिफरल के लिए दो बार अनुरोध करना पड़ा। अनन्या ने लिखा कि पहला फॉल 2018 के लिए और बाद में 2019 फॉल के लिए, उन्होंने दोनों बार के लिए मेरी बात मान ली। मैंने एक्टिंग में अपना करियर बनाने का फैसला किया है। उन लोगों के लिए जो इन आरोपों के साथ मुझे खींचने की कोशिश कर रहे हैं, मैं आप सभी को बहुत प्यार, शांति और सकारात्मकता भेजना चाहती हूं। और यह भी कहना चाहती हूं कि भले ही वो मेरे क्लासमेट होने का दावा कर रहे हैं, लेकिन मुझे यकीन है कि वो नहीं है, क्योंकि मैं उन लोगों के साथ बड़ी हुई हूं जिनके साथ मैं स्कूल गई थी। वो कभी भी ऐसा कुछ नहीं करेंगे। अनन्या लिखती है कि किसी को धमकाना ठीक नहीं है, झूठी बातचीत किससे और स्क्रीनशॉट बनाना बहुत खतरनाक है और लोगों के जीवन को गंभीर रूप से नुकसान पहुंचा सकता है। कृपया प्यार बांटें, सकारात्मक और दयालु रहें। हिंदी सिनेमा की जानी मानी अभिनेत्री और विराट कोहली की पत्नी अनुष्का शर्मा इन दिनों माया नगरी में ही गश्त लगा रही हैं। जी हां, आपको बता दें बीसीसीआई की मनाही के बाद अब अनुष्का शर्मा मुंबई में ही अपना समय बिता रही हैं। देखिए इस खास खबर में। दरअसल भारतीय क्रिकेट टीम के खिलाड़ियों के साथ उनकी पत्नियां, गर्लफ्रेंड और फैमिली भी ट्रैवल किया करती थी, पर इस बार के वर्ल्ड कप के लिए बीसीसीआई ने ऐसा करने से मना कर दिया था और साथ ही साथ कहा था कि टूर्नामेंट के पहले 20 दिन तक किसी भी खिलाड़ी के परिवार को उनके साथ नहीं रहने दिया जाएगा। इसलिए अनुष्का इस बार विराट के साथ नहीं जा पाई, तभी वह इन दिनों मुंबई में ही है, जहां एक स्टूडियो के बाहर उन्हें स्पॉट भी किया गया। अनुष्का इस व्हाइट ड्रेस में बेहद ही प्यारी लग रही हैं और फोटोग्राफर्स को हंसते मुस्कुराते तस्वीरें निकालने का मौका भी दे रही हैं। आखिरी बार किंग खान शाहरुख खान की फ्लॉप फिल्म जीरो में नजर आई अनुष्का ने अभी किसी भी फिल्म के लिए हामी नहीं भरी है। लगता है अब वह भी अपने फिल्मों के चयन करने में बदलाव लाने वाली है। राजकुमार राव शाहरुख खान के एक बहुत बड़े फैन हैं। पिछले दिनों राजकुमार ने एक अवार्ड फंक्शन में इस बात का भी खुलासा किया था कि इंडस्ट्री में आने की वजह कहीं न कहीं शाहरुख खान भी हैं। वे बचपन से ही शाहरुख खान से बड़े प्रेरित होते रहे हैं। इसी के साथ अब अपने फेवरेट एक्टर को कॉपी करते हुए दिखाई दिए राजकुमार। देखिए एक खास अंदाज। राजकुमार राव ने 1995 में आई फिल्म दिलवाले दुल्हनिया ले जाएंगे में अपनी गर्लफ्रेंड पत्रलेखा के साथ एक सीन को रिक्रिएट किया है। वीडियो में पत्रलेखा DDLJ का लास्ट सीन करती दिखाई दे रही हैं, जिसमें काजोल अपने पिता यानी अमरीश पुरी से शाहरुख के साथ जाने की इजाजत मांगती है। वहीं राजकुमार राव शाहरुख की तरह एक्टिंग करते हुए उनकी तरफ दौड़े आते हैं। वीडियो को राजकुमार राव ने अपने सोशल मीडिया अकाउंट पर शेयर किया और लिखा कि हमने लंदन में ये किया, फन मोड ऑन, जब हमने DDLJ में अपने पसंदीदा सीन को रिक्रिएट किया। बता दें कि एक शॉर्ट फिल्म की शूटिंग के दौरान पत्रलेखा और राजकुमार राव के बीच नजदीकियां बढ़ी। पत्रलेखा राजकुमार राव के साथ नानू की जानू और लव गेम्स भी कर चुकी हैं। दोनों पिछले 8 साल से लिव इन रिलेशनशिप में हैं। बॉलीवुड में जहां कपल्स अक्सर अपने रिश्ते को छुपाते हैं, तो वहीं पत्रलेखा और राजकुमार के साथ ऐसा नहीं है।
सोशल मीडिया पर दोनों अक्सर एक दूसरे की तस्वीरें शेयर करते रहते हैं। जावेद जाफरी के बेटे मिजान इन दिनों बॉलीवुड डेब्यू फिल्म मलाल से करने जा रहे हैं। इस फिल्म का निर्देशन मंगेश ने किया है, हालांकि इस फिल्म के निर्माता संजय लीला भंसाली है। आपको बता दें, मिजान के अलावा जावेद जाफरी की बेटी अलाविया की भी बॉलीवुड डेब्यू की चर्चा हो रही है। अलाविया इन दिनों सोशल मीडिया पर काफी एक्टिव रहती हैं और बॉलीवुड एक्ट्रेसेस को टक्कर देती हुई दिखाई देती हैं। आइए इसी मौके पर डालते हैं अलाविया के कुछ दिलकश फोटोज पर नजर। अलाविया फिलहाल न्यूयॉर्क में हैं और वहां पर उनकी पढ़ाई चल रही है। जानकारी के मुताबिक अलाविया को फैशन और बिजनेस में काफी इंटरेस्ट है और उसकी ही पढ़ाई कर रही हैं। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक अलाविया के पास बॉलीवुड डेब्यू के लिए कई बड़े ब्रांड्स की ऑफर हैं, लेकिन पढ़ाई के चलते उन्होंने अभी कोई फैसला नहीं लिया है। एक इंटरव्यू में अलाविया के भाई मिजान ने बताया कि वो एक्टिंग से पहले पढ़ाई पूरी करना चाहती हैं। अभी उनके कोर्स का तीसरा साल चल रहा है और एक साल अभी भी बाकी है। मुंबई में पली बड़ी अलाविया ने धीरूभाई अंबानी स्कूल से पढ़ाई की है। वहीं वो श्रीदेवी की बेटी जानवी कपूर की अच्छी दोस्त है। सोशल मीडिया पर अलाविया काफी एक्टिव रहती हैं और जमकर फोटोज शेयर करती हैं। गौरतलब है कि मुकेश और नीता अंबानी के बेटे आकाश अंबानी की सगाई की पार्टी में भी अलाविया स्पॉट हुई थी। वो सचिन तेंदुलकर की बेटी सारा के साथ एंजॉय करती दिखी थी। बॉलीवुड ने कई सेलिब्रिटीज के बाद आखिरकार पूर्व मिस यूनिवर्स सुष्मिता सेन के घर भी खुशियों की शहनाई बजी है। जी हाँ, करीब एक महीने पहले सुष्मिता सेन ने खुद अपने सोशल मीडिया अकाउंट पर एक तस्वीर शेयर करके ये बताया था कि जल्द ही उनके घर भी शादी होने जा रही है। अब आखिरकार सुष्मिता सेन सहित उनके फैंस का भी ये इंतजार खत्म हुआ। पिछले साल जहां दीपिका पादुकोण और प्रियंका चोपड़ा की शादी की भव्यता ने सबका ध्यान खींचा, वहीं सुष्मिता के घर हुई ये शादी बेहद सादगी से हुई। दरअसल सुष्मिता सेन के छोटे भाई राजीव सेन ने अपनी गर्लफ्रेंड चारू असोपा के साथ शादी के बंधन में बंध गए हैं। राजीव और चारू दोनों ने अपने इंस्टाग्राम पर तस्वीर शेयर की है। राजीव ने कैप्शन में लिखा, मैं राजीव सेन चारू असोपा को अपनी पत्नी मानता हूँ। बता दें कि दोनों ने अभी कोर्ट मैरिज की है। माना जा रहा है जल्द ही दोनों भव्य तरीके से रिसेप्शन पार्टी का आयोजन करेंगे। राजीव और चारू द्वारा शेयर की गई तस्वीरों में सुष्मिता सेन कहीं नजर नहीं आई, हालांकि राजीव की मां दोनों के साथ जरूर दिखी। 36 वर्षीय राजीव सेन ने इस दौरान प्लेन व्हाइट कलर का कुर्ता पहना था, तो वहीं चारू ने रेड कलर की साड़ी कैरी की थी। इस दौरान उन्होंने रेड लिपस्टिक के साथ लाइट मेकअप किया था। 28 साल की चारू एक टीवी एक्ट्रेस हैं। चारू सीरियल मेरे अंगने में, ये रिश्ता क्या कहलाता है और संगीनी में नजर आ चुकी हैं। लाइमलाइट से दूर रहने वाले राजीव की बात करें तो वो ज्वेलरी बिजनेसमैन हैं। दुबई समेत देश के कई जगहों पर राजीव का करोड़ों का कारोबार फैला हुआ है। राजीव दुबई में ही रहते हैं और मुंबई आते जाते रहते हैं। कुछ महीनों पहले राजीव ने दिल्ली में भी ज्वेलरी की एक शोरूम रेने नाम से खोली। बता दें कि रेने सुष्मिता की गोद ली हुई बड़ी बेटी का नाम है। ये थी बॉलीवुड और छोटे पर्दे की कुछ रीसेंट अपडेट्स। अगर आप इसी तरह की खबरों से अपडेटेड रहना चाहते हैं तो आप जल्दी से सब्सक्राइब कर सकते हैं हमारा यूट्यूब चैनल दैट इज एमपी न्यूज टीवी, या फिर आप हमारे फेसबुक पेज को भी लाइक कर सकते हैं। आपको लॉगिन करना होगा www.facebook/mpnewstv.com पर। टिल देन टेक केयर एंड बाय बाय।